दोस्तों, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई हैंडसम अभिनेता हैं जिन्होंने अपने दम पर अभिनय से दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाई है। ये अभिनेता जितना अपनी फिल्मों को लेकर चर्चित रहते हैं, उससे भी ज्यादा इन्होंने अपने लुक्स को लेकर सुर्खियां बटोरी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमेशा अपने लुक्स को लेकर चर्चित रहने वाले अभिनेताओं के रियल लाइफ बेटे लुक्स के मामले में किसी से कम नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री के टॉप 5 अभिनेताओं के बेटों से रूबरू कराने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कौन है वह अभिनेता और कौन है उनके बेटे। सुनील दत्त। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त को बॉलीवुड में बलराज दत्त के नाम से भी जाना जाता था। कैसे अभिनेता थे जिन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी थी, जिनमें से इनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं खानदान, मुन्ना भाई, MBBS, इन्फॉर्मेशन, पड़ोसन और जानी दुश्मन। लेकिन अगर बात करें इस अभिनेता के बेटे के बारे में, तो इनके बेटे का नाम संजय दत्त है, जिन्हें बॉलीवुड में सब संजू बाबा के नाम से जानते हैं। ऐसे अभिनेता हैं जो बॉलीवुड में काफी कम समय में ही पॉपुलर हो गए थे। अगर बात करें इनकी कुछ प्रमुख फिल्मों की, तो इन्होंने साजन, सड़क, अग्निपथ और धमाल जैसी कई सुपरहिट फिल्में बॉलीवुड को दी हैं। फिरोज खान। बॉलीवुड के खूंखार विलन में एक नाम शुमार है फिरोज खान का, जिन्होंने बॉलीवुड में कई तरह के किरदार निभाए थे। ये कैसे अभिनेता थे जिन्हें कैसा भी रोल दिया जाए, वो उसे बहुत ही शिद्दत से निभाते थे। लेकिन अगर बात करें इस अभिनेता के बेटे के बारे में, इनके बेटे का नाम फरदीन खान है। ये भी अपने पापा की ही तरह एक एक्टर है, जिन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया है, जिनमें नो एंट्री, हे बेबी और प्यार तूने क्या किया जैसी फिल्में शामिल है। धर्मेंद्र। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं में शुमार एक नाम है धर्मेंद्र का, जिन्हें बॉलीवुड में लोग एंग्री यंग मैन के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में बॉलीवुड को बहुत सी सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिनमें से कुछ फिल्में हैं शोले, प्रतिज्ञा, सुहागा और ऐलान जंग। आज इन्हें बॉलीवुड में किसी पहचान की जरूरत नहीं। लेकिन अगर बात करें इनके बेटे के बारे में, तो इनके दो बेटे हैं सनी देओल और बॉबी देओल। अगर बात करें इनके बड़े बेटे सनी देओल की, तो ये एक मशहूर अभिनेता हैं, जो इनकी पहचान के लिए बस इनका एक डायलॉग ही काफी है, ये 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। वहीं अगर बात करें इनके छोटे बेटे बॉबी देओल की, तो ये भी एक जाने माने अभिनेता है, जिन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्में दी है, जिनमें बादल, सोल्जर, अजनबी और बिच्छू जैसी फिल्में शामिल है। मिथुन चक्रवर्ती। बॉलीवुड की फिल्मों में ज्यादातर अपनी एक्टिंग और डांसिंग के लिए हमेशा चर्चित रहने वाले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी पहचान की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर अपने दौर में बॉलीवुड की फिल्मों पर राज किया है। लेकिन अगर बात करें इनके बेटे के बारे में, तो इनके तीन बेटे हैं महाशय चक्रवर्ती, नमश्री चक्रवर्ती और उसमे चक्रवर्ती। बात करें इनके बड़े बेटे महाशय चक्रवर्ती की, तो ये भी अपने पापा की तरह एक अभिनेता है और इश्कदारियां जैसी फिल्मों में काम किया है। अब बात करें इनके दूसरे बेटे नमाशी चक्रवर्ती की, तो ये भी जल्द ही बैड बॉय फिल्म में दिखेंगे। अब बात करें इनके सबसे छोटे बेटे की, तो इन्होंने अपना प्रोफेशन एज अ स्क्रिप्ट राइटिंग चुना है और इन्होंने फिर कभी और लाइव समवेयर जैसी फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी है, जिन्होंने हॉन्टेड 3D। शत्रुघ्न सिन्हा। बॉलीवुड इंडस्ट्री के बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा पहले ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने फिल्मों के साथ साथ राजनीति में भी एक सफल पारी खेली है। इन्होंने अपने फिल्मी करियर में 250 से अधिक फिल्मों में काम किया है। वहीं अगर बात करें इनके बेटे के बारे में, तो इनके दो बेटे हैं लव सिन्हा और कुश सिन्हा, जिनमें लव सिन्हा एक अभिनेता है। इन्होंने सदियां और पलटन जैसी फिल्मों में काम किया है। अब बात करते हैं इनके छोटे बेटे कुश सिन्हा की, जो अपने पापा और भाई से बिल्कुल अलग है। इन्होंने अपना करियर एज अ असिस्टेंट चुना है। उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म सांवरिया, दबंग और बेशरम जैसी फिल्मों को असिस्ट किया है। दोस्तों, आपको इन अभिनेताओं में से किस अभिनेता का बेटा सबसे ज्यादा हैंडसम लगा, उस अभिनेता का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी सभी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।